सभी को सर, मैं जैसा कि टॉपिक के अनुसार ही बात करूंगा। जो स्थिति है अब, बहुत सारी समस्याएं जैसे हर जगह आई हैं, जो जिनको मंच और माला की जिनको आदतें पड़ी हुई हैं, वो लोग किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि हमारा ये जो स्टेटस है, सिंबल स्टेटस सिंबल मिला हुआ है, वो किसी भी तरह छीना जाए। और जो हम लोग हैं जो इस विचारधारा की बात करते हैं, उनको वो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बिना नेता के कैसे होगा, बिना नेता के कुछ नहीं होगा। हम उदाहरण बताते हैं कि वर्ल्ड में कोई भी क्रांति हुई है वो बिना नेता के हुई है, वो समाज ने की है, लेकिन फिर भी लोगों के समझ में नहीं आता, कई बार दिक्कत आती है। अब जो सबसे बड़ी समस्या है चंदे की, जब तक इन लोगों का, चाहे राजनीतिक पार्टियां भी खूब बनी है, जब एक राजनीतिक पार्टी बनी तो उसके लिए चंदा जाने लगा तो और पार्टियां आ गई मैदान में कि अच्छा धंधा है, बिना इनकम टैक्स का लपड़ा नहीं होता, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो ये समस्याएं जो आ रही है, उसी के कारण हमें जो अलग अलग संगठन बने हैं, अलग अलग टुकड़े किए जा रहे हैं, और बात वो सारे के सारे ये करते हैं कि हम इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो इकट्ठे करने की जगह तोड़ने की बात करते हैं। आज जो जयंतियां जगह जगह जैसी समस्या आती है, जगह की परमिशन तीन तीन चार चार संगठन लेते हैं, उससे होता क्या है, प्रशासन हमारी औकात जान जाता है। जब कोई अत्याचार होता है तो प्रशासन समझता है कि ये सारे संगठन है, ये कभी एक मंच पे होंगे नहीं, वो किसी एक संगठन को बहला के आराम से अच्छे कमरे में, एसी कमरे में बैठाता है, उसको चाय नाश्ता कराता है, प्रशासन के पक्ष में आ जाता है। और जो संगठन मान लो सच्चाई से भी लड़ता है तो वो भी अकेला पड़ जाता है। तो इससे जो हमारी एकता में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और हम पे जो आज हम देख रहे हैं, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में हर जिले में रोजाना बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। अभी 14 अप्रैल को भरतपुर जिले में उन्होंने शोभा यात्रा निकाल रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे, दुजाति के लोगों ने उनको बंद किया, उनके टेंट में आग लगा दी, और अब मजबूरी ये हुई, उल्टा उन्हीं पर केस दर्ज कर लिया, प्रशासन ने केस दर्ज कर लिए। अब वो लोग वहां से पलायन करके भागे हैं, पूरा गांव खाली हो गया। अभी ताजा समाचार है, कभी आईजी और डीआईजी से बात करके वहां एसआई पुलिस चौकी खोली गई है, लेकिन उन्हीं पर केस दर्ज है, वही बंद होने के लिए है। और जिन्होंने आग लगाई, पथराव किया शोभा यात्रा पे, उनके ऊपर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, वहां एक नेता चला जाता है, दूसरे नेता का विरोध करते हैं। सबसे ज्यादा जो समस्या है, हमारे संगठनों को गाली बकते हैं, हम दुश्मन को भूल गए, एक दुश्मन कौन है, और हम आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये जो अलग अलग जयंती मनाने का बहुत बड़ा खामियाजा है। दूसरी बात ये रही, कभी एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमें एक ही दिन मनानी चाहिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं, किस तरह की जयंती, शोभा यात्रा कोई जयंती नहीं होती, वैचारिक, बाबा साहब ने विचार दिया, हमें वैचारिकता फैलानी है। अगर हम विचारों को रोजाना भी करें, पूरे साल भी प्रोग्राम करें, तो वो भी कम है, हम विचार फैला ही नहीं पाते। हम विचारों को कैसे फैला सकते हैं, हम एक जगह इकट्ठा करके लोगों को बाबा साहब के विचारों से अवगत कराएं, वही सच्ची जयंती होगी। ढोल नगाड़े से, बैंड बाजे से अगर जयंती नहीं कहते हो तो मैं उसका हम लोग विरोध करते हैं, मैं तो निकल जाता है बार बार। तो ये जो स्थिति है, हमको जयंती वैचारिक रूप से मनानी चाहिए, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई एक ही दिन, वो तो उल्टा अच्छा है कि जिले में, एक शहर में बड़े स्तर पे एक दिन मन जाए, और कोई अपने गांव में मनाना चाहिए
अलग तारीख दे दे, जिससे सारी जो इकट्ठा होने की ताकत है वो इकट्ठे हो जाए हम बड़ी संख्या में, और जो जो छोटे छोटे गांवों में भी कोई अच्छा वक्ता चला जाए, वैचारिक रूप से जो बुद्धिजीवी है उसको बुला लिया जाए, क्योंकि एक तारीख को तो सब एंगेज होंगे, तो हर जगह जो वैचारिक लोग हैं वो कम लोग होते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं उन वो एंगेज रहते हैं, तो उनको अलग दिन अगर इस तरह वैचारिक क्रांति की जाए तो वो ज्यादा सफल होगी। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम सर, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। किशोरी लाल जी जुड़े हुए हैं, नए साथी हैं, उन्हें बुलाइए सर प्लीज। हाँ बुला लो, बुला लो।